तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड के सीट मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं और परफेक्ट तरीके से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये सीट मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो मैं फिनिशिंग कैसे लेता हूँ और इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ गाइस। और बीच में से जो स्टेप दिया है वहाँ हमने सोल्यूशन लगा रहे हैं, सोल्यूशन भी बहुत अच्छा है, देख सकते हो स्लो मोशन में हमने दिखाया है, सोल्यूशन बीच में से लगा रहे। और जो हमने मटेरियल यूज़ किया है ना वो रोजली कंपनी का रूपीट वाला मटेरियल है और सॉफ्ट रहता है ये मटेरियल, आप देख सकते हो रूपीट वाला है और टिकाऊ में भी बहुत अच्छा रहता है ये मटेरियल। और ये सिंपल ने सोबर सीट मॉडिफाई करने वाले हैं और जिनको भी ये सीट चाहिए कुरियर में वो सीट मिल जाएगी गाइस। और जो जो भी मेरी चैनल में नए हो गाइस तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी गाइस। और मेरी चैनल को विजिट करो, आपको जैसी भी सीट मॉडिफिकेशन चाहिए ऐसी सीट मॉडिफिकेशन मेरी चैनल में मिल ही जाएगी ज़रूर। और साइड में हम सिल्वर ब्लीडिंग लगाने वाले हो और जिनको भी सिल्वर ब्लीडिंग चाहिए वो मेरे को बोलो, मैं कुरियर में भेज दूँगा, सिल्वर ब्लीडिंग मेरे पास अवेलेबल में ही है, जितनी चाहे इतनी मेरे पास अवेलेबल है सिल्वर ब्लीडिंग। थैंक यू गाइस, ये वीडियो आप पूरा देखो और आपको पता चले कैसे सीट मॉडिफिकेशन होती है। पीछे से मैंने बहुत राउंड शेप दिया है, देख सकते हो कैसे लग रही है और मैं कैसे फिटिंग कर रहा हूँ। जो बीच में से जो मैंने स्टेप दिया है ना वो कैसे हम चिपकवाते हैं ना वो देखना ज़रूरी है। जो फिनिशिंग हम लेते हैं आगे से, हमने स्टार्ट किया है फिनिशिंग लेना, देखो ये हो गया फिनिशिंग, देखो गाइस कैसे लग रही है ये सीट। अब एक जिन ज़्यादा है वो हम काट लेंगे। थैंक यू। We'll be right back.
What we do here is go back, 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 back. Oh,
We'll be right back.